The Himalayan state is finally witnessing a huge boom in the tourism sector this year. After 2 years of the COVID pandemic, which brought the state's tourism sector to its knees, finally, the Himalayan state is witnessing its largest ever inflow of tourists. Till date, a record-breaking figure of over 15 lakh tourists have visited the state this season. And furthermore, the queues at the permit offices are growing ever longer. Regularly, almost 1,800 vehicles visit the popular sites such as the Somgo Lake, Nathula Pass, Baba Mandir, besides other prominent places in Sikkim. सिक्किम में अभी पर्यटन मौसम चल रहा है और इस पर्यटन मौसम में सिक्किम में रिकॉर्ड संख्यक पर्यटक के आगमन हुई है, इसकी जानकारी राज्य के पर्यटन विभाग ने दी है। और अभी मेरे साथ झारखंड से आए पर्यटक है, तो कैसा रहा आप लोग झारखंड से हैं और आज कहाँ जा रहे हैं और कितना दिन का आपका सिक्किम का ट्रिप है? मेरा 3 से 4 दिन का सिक्किम का ट्रिप है। बहुत मजा आया, जितना सुना था या जितना ब्लॉगर्स के थ्रू या यूट्यूब के थ्रू हम लोग देख रहे थे, उससे ज्यादा मजा आ रहा था। हालांकि क्राउड काफी है, लेकिन विधि व्यवस्था बहुत मतलब ठीक ठाक है। ट्रैवल हो या पास का व्यवस्था हो, बहुत इजीली हो जा रहा है, तो कहीं भी टूरिस्टर को कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत अच्छा सारा कुछ मेंटेन किया हुआ है। तो आप लोग राजस्थान से हो, कितना दिन का ट्रिप है और कैसा रहा आप लोग? बहुत अच्छा रहा है, तीन दिन और 4 रातों का ट्रिप है। बहुत अच्छा लग रहा है, घूम रहे हैं अलग अलग जगह, अच्छा खाना है, अच्छी जगह है, मौसम इतना अच्छा है, मजा आ रहा है वादियों में। तो आज कहाँ जाना है आपको? आज नाथुला जाएंगे। तो कल कहाँ पर गए? कल हम लोग गए थे बुद्धा पार्क और उसके बाद चार धाम गए थे। वेरी फाइन, बट नेक्स्ट टाइम वी आर प्लानिंग फॉर ए फुल 1 week ट्रिप। 2 days इज वेरी शॉर्ट फॉर अस, सो वी डोंट हैव टाइम, दैट्स व्हाई वी आर अनएबल टू कवर ऑल द प्लेसेस। सो वी आर एक्सपेक्टिंग अनदर ट्रिप नेक्स्ट ईयर फॉर ए लॉन्गर पीरियड। हां, वेरी नाइस एक्चुअली। Today is the first day we are seeing now, so the traffic is too much, but otherwise the city is very good. Okay. Yeah. So you enjoyed your Sikkimese food? Yeah. Yesterday I tried few local foods, so looking forward for more actually. Yeah. Meanwhile, the huge inflow of tourists has become a white elephant for the taxi drivers. Tourists and drivers have to wait for over 3 hours due to the huge gathering at the permit offices. Taxi drivers also said that they are facing problems due to the shortage in manpower. Clearly, the demand for taxi drivers has gone over the roof in Sikkim. कैसा रहा? इस बार का सीजन तो अच्छा ही है। अब ये मार्च से अभी शुरू हो रहा है। अब पहले से थोड़ा इधर कोरोना की वजह से थोड़ा 2 years बहुत स्ट्रगल किया है और इस साल एक साथ में आ गए वो लोग, उसका जो इफेक्ट हो गया ना, तो एक साथ में इफेक्ट होने से एक साथ में आ गए टूरिस्ट बहुत। 2 साल का टूरिस्ट? हाँ जी, एक साथ में आ गए। तो आज आप कहाँ जा रहे हैं? छंगू लेक बाबा मंदिर। अच्छा, तो इस बार कितने ट्रिप किया आपने छंगू बाबा मंदिर? रेगुलर करे हैं या कभी नहीं? कभी कभी छंगू होता है, कभी कभी उधर नामची, कभी कभी पेलिंग, ऐसे करके टूर भी होता है कभी कभी, कभी कभी इधर छंगू बाबा मंदिर। तो कहाँ का टूरिस्ट ज्यादा है इस बार? इस साल तो कलकत्ता का से ज्यादा होते हैं, और से भी आता है, और जगह से भी आता है, बेंगलोर, मुंबई, कलकत्ता, वेस्ट बंगाल से भी आता है ज्यादा। तो हो रहा है क्या? हाँ, हम लोग अभी बहुत तकलीफ में हो रहा है, क्योंकि सुबह ऐसा इतना जल्दी हम लोग को टूरिस्ट को निकल के आते हैं ना, होटल से जल्दी निकल के आते हैं, पास में बहुत तकलीफ मिल रहा है क्योंकि इतना जाम लगता है। देखिए अभी जाम लग रहा है, हम लोग को ड्राइवर लोग को प्रेशर कर रहा है टूरिस्ट लोग, क्योंकि अभी मैन पावर कम है ना, ऑफिस में बहुत कम आदमी बैठकर उन ऑफिसर बैठकर काम धीरे से होता है, इसी वजह से इतना जाम लग रहा है, हम लोग को बहुत प्रेशराइज हो रहा है अभी। तो इस सीजन में पास के लिए क्या होना चाहिए, आपको क्या लगता है? अभी क्या होना चाहिए कि हम लोग को ये एक मैन पावर ज़्यादा बढ़ा दीजिए, नहीं तो ऑफिस थोड़ा इसको इम्प्रूव करके ज़्यादा मात्रा में इसको बढ़ाई दीजिए, वही है हम लोग का। टूरिस्ट कुछ बोलते हैं देर होने से? हाँ, बहुत गाली करते हैं ना हम लोग को, प्रेशराइज करते हैं, वही है।